इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस जो है वो मोर देन 40 ईयर्स का हो गया है, तो उसकी वजह से हमारा नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि हम लोग आपको वो लेबर, वो मैन पावर बहुत ईजिली और जल्दी दे सकते हैं। कि हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं, हम लोग क्लियरली लोगों को बताते हैं कि ये आपका प्लांट इन मशीन्स के सहारे इस कैपेसिटी पे, इस लेआउट पे, इस प्रोडक्शन कैपेसिटी कमर्शियल पे बिल्डअप होगा। कोई नया भी एंटरप्रेन्योर है, कोई नया इन्वेस्टमेंट लेना चाहता है, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके अंदर हम इन्वॉल्व भी हैं और उनको हम गाइड भी करेंगे। सुबह में नाश्ता जो आप करते हो वो किसी ना किसी बड़े ब्रांड, बड़ी कंपनी का होता है, लेकिन होता तो उस कंपनी का है लेकिन बनाने वाली जो मशीन्स हैं वो इसी कंपनी की है, यानी इसकी है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ब्रेड खा रहे हैं और हमें ऐसा लगता है यार इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि बेटर क्वालिटी बनाई जा सकती है, तो अंगल मशीन भी लेते हैं और आपको इस तरह की कोई हेल्प चाहिए होती है, वी आर देयर अप फ्रंट। क्योंकि माई नेम इज़ रजत नागपाल एंड लिविंग मैन कॉन्टैक्ट नंबर इट इज़ 9991124835। एग्जीबिशन में बहुत सारे स्टॉल मिले लेकिन भीड़ अच्छा खासा यहाँ पर मिली। टेक्निकल ट्रेनिंग जहाँ पर मैं आपको एक लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग शेड्यूल्स और मॉड्यूल्स बताऊँगा, यहाँ पर सबसे पहले हमारी टेक्निकल विजिट होती है आपकी साइट पे, लेआउट बनाया जाता है, वहाँ पर मशीन चलाने के लिए अगर आपके पास आदमी नहीं होगा दैट्स अ वेस्ट, तो इसके लिए वी आर देयर फॉर टेक्निकल सपोर्ट ऑल्सो। किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए अगर काम करते हैं तो हम उसकी फाइल बनाते हैं जहाँ पर हमें पता है कि हमने उसको लेआउट देने हैं। तो आपने हमसे कॉन्टैक्ट करना है, सेल्स और ब्रांडिंग को आपने फोकस रखना है और आपने ये देखना है कि आपका माल बिक सकता है। टेक्निकल ट्रेनिंग, मैन पावर हैंडलिंग, प्रोक्योरमेंट, ये सब लोग हम आपको प्रोवाइड करते हैं। फूड टेक में आपका स्वागत है। ये वर्ल्ड लेवल की एग्जीबिशन है, तो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं जो पैक्ड होते हैं, जो बनते हैं, मेकिंग होती है, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, वो सारे के सारे सेटअप आपको यहाँ पर इधर मिलने वाले हैं। कवर करूँगा पूरा, देखिएगा सारा, और 3 दिन तक ये चलेगी और जब तक आप देख रहे होंगे हो सकता है 3 दिन अगर बाद देखें तो ये एग्जीबिशन खत्म हो चुकी हो, लेकिन सबके कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स में देने की कोशिश करूँगा ताकि लोग आप जब कभी भी उसको देखें बिजनेस एंगल से तो आपके लिए वो एक फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि B2B एग्जीबिशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या खास है इस बार इस फूड इंडस्ट्री के इस पूरे एग्जीबिशन में जो बहुत बेहतरीन और बेस्ट होने वाला है। द्वारका में एग्जीबिशन लगी, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या खास है। वैसे तो खरी इस एग्जीबिशन में बहुत सारे स्टॉल मिले लेकिन भीड़ अच्छा खासी यहाँ पर मिली। ये है बेकवेल मशीन, ये जो बेकवेल मशीन है ये मतलब अच्छा खासी चर्चाओं में है, और इसका जो मतलब पिछले 35 ईयर से ये पूरे के पूरे सेटअप में है। क्या खास बात है इसकी, और सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी आप सुबह उठकर ब्रेड और रस खाते हैं, यानी सुबह में नाश्ता जो आप करते हो वो किसी ना किसी बड़े ब्रांड, बड़ी कंपनी का होता है, लेकिन होता तो उस कंपनी का है लेकिन बनाने वाली जो मशीन्स हैं वो इसी कंपनी की है, यानी इसकी है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं उन लोगों से जो आप ये सब चीज़ें लेते हैं। चलिए आइए बातचीत करते हैं और समझते हैं कि इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका तो खैर पहले भी काफ़ी चर्चाओं में रहा है पूरा का पूरा सेटअप, तो क्या ख़ास बात है आपके इस बेकवेल में, क्योंकि पब्लिक बहुत अट्रैक्ट हो रही है और यहाँ पर अच्छा खासी मुझे भीड़ नज़र आई। खासियत ये है कि हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं, हम लोग क्लियरली लोगों को बताते हैं कि ये आपका प्लांट इन मशीन्स के सहारे इस कैपेसिटी पे, इस लेआउट पे, इस प्रोडक्शन कैपेसिटी कमर्शियल पे बिल्डअप होगा, और वो सारी चीज़ें उनके सामने ओपन होती हैं। पब्लिक, हाँ मैं सॉरी बीच में टोकना चाहूँगा सर, पब्लिक जानना चाह रही है कि हम सुबह उठकर जो ब्रेकफास्ट करते हैं वो किसी ब्रांड के साथ लेकर आते हैं, तो सुनने में ये आया कि जिस ब्रांड को आप चीज़ें देते हैं या जो सेटअप अगर वो डायरेक्ट पब्लिक करना चाहे क्या वो कर सकती, क्या ये वही मशीनें हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी एंटरप्रेन्योर मिनिमम 60-70 लाख-80 लाख के एक बजट से स्टार्ट कर सकता है और वो इक्विवेलेंट ब्रांड और इक्विवेलेंट और बेटर प्रोडक्ट बना सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ब्रेड खा रहे हैं और हमें ऐसा लगता है यार इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि बेटर क्वालिटी बनाई जा सकती है, तो हम कमर्शियल पर ना जाकर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जहाँ पर बात करते हैं, हम लोग इमीडिएटली वहाँ पर आपको सेटअप कर सकते हैं जहाँ पर कोई नीड नहीं है आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान होने की, बहुत ज़्यादा प्रमोशन करने की,
आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपने हमसे कॉन्टैक्ट करना है, सेल्स और ब्रांडिंग को आपने फोकस रखना है, और आपने ये देखना है कि आपका माल बिक सकता है। बनाने की जिम्मेदारी हमारी है कंप्लीट। बढ़िया, यानी कि इसको कोई भी कॉमन मैन कर सकता है। डेफिनेटली उसके पास सिर्फ एक विजन होना चाहिए, आगे बढ़ने की जस्तजू होनी चाहिए, और सेटअप उसके बाद से लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टेक्निकल ट्रेनिंग की जरूरत है इसमें? टेक्निकल ट्रेनिंग, जहाँ पर मैं आपको एक लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग शेड्यूल्स और मॉड्यूल्स बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले हमारी टेक्निकल विजिट होती है आपकी साइट पे, लेआउट बनाया जाता है, कैपेसिटी कैलकुलेशन होती है, कौन सी मशीन्स लगेंगी, उन मशीन्स को चलाएगा कौन और सुपरवाइज कौन करेगा, मैन पावर हैंडलिंग कैसे होगी, कमर्शियल प्रोडक्शन में क्या हेल्प चाहिए, इन सबसे रिलेटेड सारी टीम्स, टेक्निकल ट्रेनिंग, मैन पावर हैंडलिंग, प्रोक्योरमेंट, ये सब लोग हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और इसके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है, हमें सिर्फ ये चाहिए कि हमारी मशीन जो हम इन हाउस बना रहे हैं, जो हम आपके लिए ऑलरेडी सब लोगों को देते जा रहे हैं, ब्रिटानिया को, पार्ले को, बड़े ब्रांड्स को, वो लोग सबके पास, वो मशीन सबके पास होनी चाहिए। और आपको चलाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, वी आर देयर एवरी टाइम, नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, अब इसमें ये बताइए कि अगर मान लीजिए पूरे इंडिया में, पूरे भारत में कोई सेटअप लगाता है, ये करता है, तो ऐसे में जो स्किल्ड लेबर है, जो स्किल्ड टेक्नीशियंस हैं, वो कैसे मिल पाएंगे? ये कई बार लगता मुश्किल है, पर क्योंकि हम लोग इसी इंडस्ट्री में हैं, आज नहीं, हम लोग को 27 ईयर्स हो गए हैं, और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस जो है वो मोर देन 40 ईयर्स का हो गया है, तो उसकी वजह से हमारा नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि हम लोग आपको वो लेबर, वो मैन पावर बहुत ईजिली और जल्दी दे सकते हैं। कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी फॉर्मेट में, अगर आप एक सिंगल मशीन भी लेते हैं और आपको इस तरह की कोई हेल्प चाहिए होती है, वी आर देयर अप फ्रंट, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर आदमी लैग करेगा। मशीन मैं अच्छी बना सकता हूँ, पर मशीन चलाने के लिए अगर आपके पास आदमी नहीं होगा, दैट्स अ वेस्ट। तो इसके लिए वी आर देयर फॉर टेक्निकल सपोर्ट ऑल्सो एंड कमर्शियल प्रोडक्शन सपोर्ट ऑल्सो। वेरी नाइस, यानी कि आपको हर चीज़ वो मिलने वाली है जिसकी आपको दरकार होगी, जिससे आप बिजनेस कर सकें, यानी पूरा सेटअप टेक्निकली भी करके देंगे और आपको उसमें सपोर्ट भी करेंगे, हैं? राइट। अच्छा, स्टार्टअप करना हो या जिसका जो पहले से ही बिजनेस चल रहा हो, तो उसके लिए भी यही सब प्रोसीजर रहेगा आगे आए? जिसका पहले से बिजनेस चल रहा है, अगर वो फूड रिलेटेड बिजनेस में है, उसके लिए बहुत इजी है, क्योंकि उसको सेल्स मिल जाएगी ब्रेड की बहुत जल्दी। उसको सिर्फ अपने कुछ जोन्स को कॉमन रखते हुए, बेसिकली रॉ मटेरियल, डिस्ट्रीब्यूशन, पैकिंग जोन्स को कॉमन रखते हुए, हम प्रोडक्शन लाइन के अंदर डिफरेंस ला के उसका नया प्रोडक्ट डाल सकते हैं। और कोई नया भी एंटरप्रेन्योर है, कोई नया इन्वेस्टमेंट लेना चाहता है, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके अंदर हम इन्वॉल्व भी हैं और उनको हम गाइड भी करेंगे, जहाँ पर अप टू 30-35% तक उनको सब्सिडीज़ और रियायत मिल जाती है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि पैसा ठीक है आपका होगा, टेक्निकल सपोर्ट भी रहेगा यहाँ से, लेकिन गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत सारी मदद करती है इस तरह के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, तो आपको कहीं ना कहीं सब चीज़ें मिल जाएंगी। एग्जैक्ट। अच्छा सर, अगर मैं यहीं बैठे बैठे आपके जो सेटअप आपके लगे हुए हैं, क्योंकि पब्लिक अब देखना चाहती है, वो सेटअप दिखाइए सर कि जो आपके लगे हुए हैं। अगर हम बात करें नंबर्स में, तो शायद 1000 से ज़्यादा ब्रेड प्लांट्स ऑलरेडी इंडिया और ग्लोबली हमारे चल रहे हैं। अच्छा सर, अभी में ये बात बताइए कि कितने तरह की, किस किस्म का सेटअप होगा जो हम अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं? कितनी तरह का? देखिए, ब्रेड और टोस्ट तो एक जेनरिक आइटम है जो कि आमतौर पर लोग खा भी रहे हैं और चल भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये रियलाइज़ करा कि इस लो मार्जिन और हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट में अगर हम थोड़ी सी वेरिएशन लाएं, वेरिएशन इन द सेंस कि हम लोग उसी ब्रेड को सैंडविच बनाकर तो ऑलरेडी खा रहे हैं, और उसी ब्रेड को हम पॉकेट सैंडविच या फिर क्रम्स बनाकर भी खा रहे हैं, तो एक रनिंग ब्रेड के प्लांट से अगर हम वेरिएशन लाते हैं और कोई नए प्रोडक्ट में ऐड करते हैं, तो हमारे मार्जिन बढ़ेंगे, और ऑलरेडी आप उस सेटअप पर तो हैं ही बैठे। वेरी नाइस। ये देखिए सर, स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये देखिए सामने स्क्रीन पर देख लीजिए सर, देखिए सब स्क्रीन के ऊपर नज़ारा है, बहुत क्लियर है सर। अब बताइए इसके बाद। तो देखिए, ये एक सिंपल लाइन है जिसके अंदर हम लोग ऑटोमेटिक सैंडविचेस बना रहे हैं, तो ब्रेड ऑलरेडी जो आदमी बना चुका है उसको पील करके, ट्रिम करके हम उसकी सैंडविच लाइन लगा सकते हैं, जहाँ पर आप सैंडविचेस अपनी कोल्ड लॉ सैंडविच, बेस सैंडविच या फिर आपके जो क्रीम सैंडविचेस हैं, वो आप इजीली यहाँ पर पैक करके और कम्प्लीटली आप उसको दिखा सकते हैं। इसके अलावा हमारे ब्रेड क्रम्स होते हैं, पॉकेट सैंडविचेस हैं, बर्गर लाइंस हैं, जो इस तरह की लाइंस हैं जो कि आदमी ब्रेड की फॉर्म को ही चेंज करके खा रहा है, कभी सॉस लगाकर और कभी जाम लगाकर, हम उसकी ऑटोमेटेड लाइंस यहाँ पर लगाने में पूरी तरह से सक्षम है। अच्छा, ये जितना सेटअप है सर, ये आप ही के इंडस्ट्री का है पूरा, पूरी मशीन पूरे चल? बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, अगर आपको इसको देखना हो या आना हो, तो वैसे तो स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहा है ये भी है, और भी स्क्रीन के ऊपर जो भी बातचीत सारी हुई है वो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, पूरे इंडिया में कहीं भी देख रहे हैं तो प्रीव्यू कर सकते हैं, कोई भी आ सकता है सर यहाँ पर?
बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास ऑफिस में एवरी डे एक्सेप्ट ऑफ संडे एनीबडी कैन विजिट, हैव अ गुड कप ऑफ टी, हमारे साथ लंच करे। और हम लोग का बिलीफ ये है कि हम लोग एक कैटलॉग में नहीं, हम लोग प्रोजेक्ट फाइल में विश्वास रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो राइट नाउ भी हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए अगर काम करते हैं तो हम उसकी फाइल बनाते हैं जहां पर हमें पता है कि हमने उसको लेआउट्स देने हैं, हमें ये भी पता है कि हमने उसको पूरा एक सेटअप करके देना है। तो हम लोग ये बिलीव नहीं करते हमने आपको एक मशीन दे दी और हमारा काम वहाँ पर कम्प्लीट हो गया। हमारा बिलीफ ये है कि आपको मशीन देने के बाद आपका प्लान चलना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वहाँ से कुछ इनकम जनरेट करेंगे तो आप हमें एक्सपेंशन के ऑर्डर्स बहुत जल्दी देंगे। सेटअप दिखाया, पब्लिक को समझ में आया, बहुत मज़ा आया। अब कोई और सेटअप ऐसा जिससे हम समझ पाएँ और आसानी हो जाए और करने में? रिलेटेड सेटअप्स हैं, जैसे बर्गर्स की लाइंस हैं। बर्गर की लाइंस यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे पीसेस को राउंड करने में मैनुअल लेबर बहुत खर्च होती है, इसके लिए हमने ह्यूज बर्गर लाइंस यहाँ पर 10,000 15,000 12,000 पीसेस पर आवर आप निकाल सकते हैं, जिसकी डिमांड और कंजम्पशन इंडिया और ख़ासतौर से महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर ये बर्गर लाइंस बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करती हैं, हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, वॉल्यूम का प्रोडक्ट है। तो इस तरह की लाइंस भी हम लोग कम्प्लीटली आपको सेटअप करके दे सकते हैं, और इसमें भी आपका हमें सिर्फ सपोर्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ लैंड एंड कैपिटल, उसके अलावा कमर्शियल प्रोडक्शन तक हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। यानी कोई भी सेटअप ये लगा सकता है पूरे भारत में, पूरे इंडिया में, ये वाला जैसा जो स्क्रीन पर नजर आया? जी बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये बार बार देखिए, मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि जो लोग कॉमन लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि यार हम चाहते तो हैं बिजनेस करना, पैसा भी है हमारे पास, जगह भी है, लेकिन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, टेक्निकल सपोर्ट कौन देगा? तो वो सारी सपोर्ट आपको मिलेगी यहाँ पर। सर क्या सर, आपने जो अभी बर्गर देखा, सैंडविच देखे, तो उसका मतलब ये है कि जितनी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया की, तो उसके जो पीछे सूत्रधार हैं या जो पूरे जो एक चैनक की तरह काम करने वाले वो आप ही हो। कहना बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन हाँ, हमारा सपोर्ट हमेशा रहा है, और जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं या बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, लार्जर लाइन्स हैं, वहाँ पर हम लोग एक 30 साल से उनको सर्व कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनसे सीख भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको हम लोग ट्रेनिंग दे भी रहे हैं। तो एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है दोनों के बीच में, उनकी ग्रोथ और हमारी ग्रोथ पैरेलल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सर अब ये बताइए, इस सेटअप को करने के लिए इनिशियली कॉन्टैक्ट आप कैसे करें जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता? आप डायरेक्टली मेरे साथ संपर्क में आ सकते हैं, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, माय नेम इज़ रजत नागपाल, एंड लिविंग माई कॉन्टैक्ट नंबर इट इज़ 9991124835। आपका एक कॉल और 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन गाइड कर देगी कि हम लोग किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद इफ़ यू वांट टू विजिट, न्यू दिल्ली में हमारा ऑफिस है, आप विजिट कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आपके यहाँ पर कोई विजिट हो, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग प्लांट है या साइट विजिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हमारे यहाँ से टीम मेंबर या पर्सनली हम लोग भी आपके पास विजिट कर सकते हैं। अब ये बताइए, दिल्ली से बहुत दूर है, दक्षिण भारत में है या पश्चिमी इंडिया में है, तो आप पर वो भरोसा कैसे करें और क्यों करें? क्योंकि मैं उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ जो नए लोग हैं। वेरी राइट सेट, भरोसा करना सबसे मुश्किल है। किसी को आप पैसे आसानी से दे सकते हो पर उस पर भरोसा नहीं होता। यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट्स हैं, हमारा काम ही ट्रस्ट पे है। हम लोग जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं आज नहीं पिछले 30 सालों से, वो लोग हमें रिपीट ऑर्डर्स देते हैं। अगर कोई हमें 20 साल पुराना आदमी, 5 साल 8 साल पुराना कस्टमर हमें रिपीट ऑर्डर दे रहा है, तो वो मेरे लिए एक ट्रस्ट सर्टिफिकेट है, उसके लिए मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। सेकेंडली, आई एम श्योर कि आप जिस भी एरिया में बैठे हैं उसकी सराउंडिंग में डेफिनेटली मोर देन 70% आर चांसेस कि हमारी कोई ना कोई रनिंग क्लाइंट या कोई फैक्ट्री कमर्शियल प्रोडक्शन जहाँ पर हमने उनको हेल्प किया है वो ज़रूर होंगे, और वर्ड ऑफ माउथ से ऊपर कुछ भी नहीं है। तारीफ शायद हमारी लोग कम करें पर बुराई हमारी कोई नहीं करेगा, और यही भरोसा है जो इंडियन मार्केट में हम लोगों को जिंदा रखे हुए। नहीं, आप यहाँ तक पहुँचे, हर एग्जीबिशन में ये नज़र आएंगे खाने पीने की, तो इसका मतलब है कि कोई बात है जो इधर है। देखिए, सारे सवालों के जवाब रंज भाई ने बहुत बढ़िया तरीके से दिए, थोड़े चुपते हुए भी सवाल थे रंज भाई। जो हमारा काम है जी। हाँ, थैंक यू सर रजत भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा ये वाला सेटअप। और मैं फिर बोलता हूँ कि अगर जिसको इंडस्ट्री के अंदर खास तौर पर ब्रेकफास्ट में हाथ आजमाने हो, स्टार्टअप करना हो, बिजनेस करना हो, तो उसके लिए ये सेटअप बेस्ट सेटअप होने वाला है। यानी शुरुआत में, शुरुआत से लेकर और अंत तक पूरे सेटअप तक ये आपका पूरा साथ देने वाले हैं।